हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम सभी को पता है मार्केट में दो तरह के समरसेबल पंप आते हैं, एक आपका वाटर फिलेड और एक आपका ऑयल फिलेड। और अगर आप समरसेबल पंप लेने वाले हो या फिर ले चुके हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाटर फिलेड समरसेबल पंप और ऑयल फिलेड समरसेबल पंप में क्या फ़र्क होता है और दोनों के क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं और साथ ही किन लोगों को कौन सा समरसेबल पंप लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको सच में ऐसा लगे कि हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो ही आप सब्सक्राइब करें, वरना ना भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जो लोग इस चैनल में नए हैं उनको मैं बता दूं, दोस्तों मेरा नाम है संजय नायक, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी फिट। दोस्तों हमारे चैनल में आपको प्लम्बिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन की सारी जानकारी भरे वीडियो आपको हमारे चैनल में आसानी से मिल जाएगी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल फील्ड वाले समरसेबल पंप के बारे में। बात हम करें इसके बेनिफिट्स की, तो दोस्तों ऑयल फील्ड वाले जो समरसेबल पंप होते हैं ना, वो बहुत ही कम वोल्टेज में भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं और साथ ही ये बहुत ही कम पावर कंज्यूमिंग होते हैं, जिसके कारण से ये आपके बिजली बिल की प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको राहत दिला सकते हैं। और इसका प्राइस आपको वाटर फील्ड वाले समरसेबल पंप से आपको थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों ऑयल फील्ड वाले जो समरसेबल पंप होता है उसमें जो ऑयल भरा जाता है उसका काम होता है मोटर को ठंडा रखना, लेकिन वो जो ऑयल होता है वो मोटर को ठंडा रखने के साथ ही साथ मोटर के इंटरनल पार्ट्स के लिए एक लुब्रिकेशन का भी काम करता है, जिसके कारण से मोटर का जो इंटरनल पार्ट्स होता है उसकी घिसावट बहुत ही कम होती है, जिस कारण से मोटर का जो लाइफ होता है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। ऑयल फील्ड वाले जो समरसेबल पंप होते हैं वो टोटली वाटर प्रूफ होते हैं। और बात हम करें इसकी वाइंडिंग की, तो दोस्तों इसकी वाइंडिंग वाटर फिलेड वाले समरसेबल पंप से बिल्कुल ही अलग होती है। इसकी जो वाइंडिंग की जाती है वो बिल्कुल नॉर्मल की जाती है, जो कि आप आमतौर पर सभी मोटरों में देखते होंगे, जैसा कि अभी आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे, ये एक ऑयल फील्ड वाले समरसेबल पंप की वाइंडिंग है। तो दोस्तों ये तो हुई ऑयल फील्ड वाले समरसेबल पंप की बेनिफिट्स की बात की। अगर आप ऑयल फील्ड वाले समरसेबल पंप को लोगे तो आपको क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे, तो जैसा कि हम सभी को पता है अगर हम कोई भी सामान लेते हैं तो उसके साथ अगर हमें कुछ फायदा देखने को मिल रहा है तो साथ ही उसका कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की, कि अगर इस पंप को लेने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को आ सकती है। दोस्तों वैसे तो ये जो ऑयल फील्ड वाले समरसेबल पंप होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें आपको एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये जो समरसेबल पंप होते हैं वो टोटली वाटर प्रूफ होते हैं, और इसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए इसमें वाटर टाइट सील लगाई जाती है। अगर बाई चांस आपका वो सील खराब हो गया तो फिर मोटर में आपका पानी चला जाएगा, और जो ऑयल फील्ड वाले जो मोटर होते हैं वो पानी में चलने लायक नहीं बनाए जाते, इसलिए उसे वाटर प्रूफ रखा जाता है। लेकिन बाय चांस अगर उसमें पानी चला गया तो फिर आपका मोटर जो है वो टोटली खराब हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ये समरसेबल पंप किन लोगों को लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपके एरिया में वोल्टेज की प्रॉब्लम आते रहती है या फिर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां आए दिन बर्फबारी होती रहती है, तो फिर ये समरसेबल पंप जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि ये समरसेबल पंप जो है वो कम वोल्टेज में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ बर्फबारी होती रहती है और वहाँ का टेम्परेचर एकदम फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुँच जाता है, तो फिर ये समरसेबल पंप आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके कॉम्पिटिटर यानी कि वाटर फिलेड समरसेबल पंप के बारे में। दोस्तों ये जो वाटर फिलेड समरसेबल पंप होते हैं ये किसी भी तरह से वाटर प्रूफ नहीं होते हैं, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर पानी में रहते हुए भी अगर इसका सील जो है वो ब्रेक हो जाता है या फिर खराब हो जाता है तो भी इसमें पानी का जो सर्कुलेशन है वो बना हुआ रहता है और पंप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग होती है वो ऑयल फिलेड वाले समरसेबल पंप से अलग होती है। इसकी वाइंडिंग वायर वाटरप्रूफ होती है, जिसमें की पीवीसी कवरिंग की हुई होती है, इसलिए ये मोटर पानी में होते हुए भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ये थोड़ा पावर कंज्यूमिंग तो होता है, बट इसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि इसमें बैरिंग के जगह बुश का यूज किया जाता है, जो कि मोटर शाफ्ट को स्टेबल होने में और रोटेट करने में मदद करता है। बुश होने के कारण मोटर को ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है शाफ्ट को रोटेट करने के लिए, इसलिए इसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है। और बात करें ऑयल फिलेड में, तो दोस्तों उसमें बैरिंग का यूज किया जाता है, जिसके कारण से वो कम पावर में भी शाफ्ट को इजीली रोटेट कर लेता है। अब ये बॉल बैरिंग का यूज वाटर फिलेड में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि लंबे समय तक पानी में रहने से ये बैरिंग्स खराब हो जाते हैं, इसलिए इसमें बुश का यूज किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे वाटर फिलेड समरसेबल पंप के नुकसान के बारे में। दोस्तों अगर आपके बोरिंग में बालू की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है तो फिर ये आपके मोटर में
थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि देखो ये जो बालू है ये पानी के साथ मोटर में भी सर्कुलेट करेगा, जिसके कारण से ये जो बालू है आपकी मोटर शाफ्ट या फिर आपका जो बूस है उसको डैमेज कर सकता है। अगर वो डैमेज हो गया फिर आपका मोटर जो है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा, जिस कारण से आपका जो मोटर है वो सही से काम करना बंद कर देगा। उसके बाद आपको मोटर को बाहर निकाल कर उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। पर दोस्तों अगर आप अच्छी क्वालिटी और अच्छे ब्रांड के सबमर्सिबल पंप को लोगे तो फिर आपको 4-5 सालों तक आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आमतौर पर ये सस्ते और लो रेंज के सबमर्सिबल पंप में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि दोनों में से हमें कौन सा लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो लोग लेते हैं वो हमारा वाटर फिलेट समरसेबल पंप ही लेते हैं। और आप पर्सनली मेरे से पूछोगे तो मुझे भी यही पसंद है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बहुत इजीली हो जाती है और इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार रही होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।